अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो काफ़ी दिन से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोच रहा था वीडियो बनाऊं, और काफ़ी इस टाइम ना काफ़ी सारे प्लान बनाए थे लेकिन सब कैंसिल हो गए। ठीक है, एक इज्तम था, ठीक है, रायमंड जा रहे थे काफ़ी दोस्त अहबाब, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से जमातें आई थी, तबलीगी इज्तम था, बहुत बड़ा इज्तम था रायमंड में ना, तो उस हवाले से भी था कुछ कि मेरा जाने का प्लान बन रहा था लेकिन फिर किसी काम से ना मेरा जाना कैंसिल हो गया। तो हमारे यहाँ से काफ़ी लोग गए हैं, ठीक है, तभी मेरे उनसे रابطہ हुआ है, तो वो लोग सब वापस आ रहे हैं। बाकी मैंने कबूतर भी उड़ाए हुए हैं, कुछ कबूतर पकड़े भी थे, ठीक है, तो उनमें एक मादी भी पकड़ी थी। ये भी मैंने उड़ाई है, कहीं चली गई है। तो मुख्तसर सी वीडियो है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे कुछ कबूतर हैं, आपको अपने कबूतर का भी शो कराऊंगा, तो अपने भाई का सपोर्ट कीजिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी मैंने कबूतर उड़ाए थे तो ये काफ़ी नीचे उड़ रहे थे, अभी इनके साथ मैंने उड़ा दिया। ये काला कबूतर है, ये मैंने पकड़ा था, तो ये इन सब को ऊपर ले जा रहा है क्योंकि ये अभी उड़ा है ना, इसको जैसे मैंने छोड़ा है ये ऊपर जा रहा है उनके साथ, वो भी ऊपर जा रहे हैं। और इस तरफ एक शिकरा आया हुआ है शिकार के लिए ना, ये है परिंदे, इससे डर रहे हैं। कल भी इसी तरह मैं कबूतर उड़ा रहा था, कल का तकरीबन मैंने 2 बजे उड़ाए थे कबूतर, तो इनमें से ना 4 कबूतर तकरीबन शाम के बाद वापस आए हैं। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी तो उसके ऊपर ना उतर कर आए हैं, एक यूं आया सामने से, इस तरह उड़ता उड़ता ना इधर आकर बैठा है, 2 एक साथ उतरे हैं, पहले 2 उतरे हैं, फिर एक और फिर आखिर में एक। तो कल क्योंकि इन्होंने दाना खाया हुआ था तो मैंने उड़ाए हैं तकरीबन 2-2.5 बजे ना, तो उड़ रहे थे नीचे नीचे उड़ रहे थे, फिर पता नहीं इनमें से कुछ जो नीचे बैठने वाले थे वो बैठ गए, बाकी जो ठहरे हुए थे उन्होंने दाना खाया हुआ था, उड़ते उड़ते काफ़ी ऊपर चले गए, मैं भी काम में मसरूफ़ हो गया। फिर मैंने शाम में देखा, शाम से कुछ देर पहले, तो कबूतर काफ़ी ऊपर गए हुए थे, फिर मुझे परेशानी होगी अब ये नीचे कैसे आएंगे, क्योंकि पहले मैं टॉर्च जला कर रखता था और अभी पिछले कुछ दिनों से ना टार्च की जो लाइट वो तार थी वो भी ख़राब हुई हुई है और होल्डर भी ख़राब हो गया, तो इसलिए फिर मैंने मोबाइल की टार्च ऑन की, लेकिन 4 के 4 कबूतर वापस घर पर आ गए। कभी कभी इस तरह होता है कि थक जाते हैं, फिर जहां लाइटें देखते हैं वहां रात के टाइम ना बैठ जाते हैं, दिन में फिर वापस आ जाते हैं। कबूतर तो अपनी मौज में उड़ रहे हैं मज़े से,
ये क्योंकि आज़ाद रहते हैं, आप देख रहे हैं, ये देखें, कोई ना इसके आगे वो नहीं है, दरवाज़ा वगैरह नहीं है, पहले था अब नहीं है, और ये वाला वैसे ही है खाली, बाकी ये आज़ाद बने हुए हैं फुल शिकारी। अब खेत देख रहे हैं सामने वाले, ठीक है, खेत में सारी फसल लगी हुई है, ट्रैक्टर वगैरह उस दिन आया हुआ था, ट्राली वगैरह, और उन्होंने फुल खेत में ना वो हल वगैरह लगाया है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें ये मकई बोएंगे, तो फिर क्योंकि सर्दी आ रही है, सर्दियों में मकई थोड़ी बहुत होती है कुछ महीने ना, या बरसीन वगैरह तो इधर नहीं लगाते क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी सख्त है ना, जो हमारे इलाके हैं जैसे डेरा इस्माइल खान है या डेरा गाजी खान या बाकी जो मैदानी इलाके हैं उनमें बरसीन वगैरह बो देते हैं किसान, और यहाँ पर ये उगाएंगे मकई क्योंकि सर्दी के महीनों में ना बरसीन लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ बरसीन नहीं, ये मेरे ख्याल में मकई ही लगाएंगे। पीछे कुछ खेत बने हुए हैं वो आप देख रहे हैं नीचे इस साइड पर, मेरे ख्याल में वो पीछे वहाँ पर वो पुदीना वगैरह लगाएंगे, ये शायद कुछ सैलड वगैरह भी लगा सकते हैं, पुदीना और बाकी जो भी अशिया हो, क्योंकि वो ज़मींदार लोग हैं, खेत खेती बाड़ी करते हैं थोड़ा बहुत, तो देखते हैं यहाँ क्या उगाते हैं, क्योंकि उन्होंने ना ज़मीन की कटाई की हुई है, फसल की जगह बनाई हुई है छोटी फसल की ना, तो मेरे ख्याल में पुदीना लगाएंगे या साग वगैरह लगाएंगे, उन्होंने उसमें खाद भी डाली हुई है। मेरे ख्याल में पीछे जो बड़े खेत हैं उनके अंदर मकई वगैरह लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ भी मकई होती है, जानवर वगैरह भी हैं, खाते भी हैं, तो उन्होंने खेत बना दिया, उसमें हल भी लगाए हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल में मकई भी डालेंगे। ये देखें कितना अच्छा कबूतर है, मगर उड़ता नहीं है, असल में ये मादी खोरा बन गया है, ठीक है, और वो भी मैंने इसको बनाया है, मैंने इसकी आदत ख़राब कर दी है। बच्चा भी पाल रहा है, इसका एक बच्चा भी है, इसकी मादा वो ऊपर बैठी है, ये वाली 1 साल बाद आई थी, इसकी एक आँख भी ख़राब है, इसके साथ जो मादा बैठी है वो भी मैंने पकड़ी है, ये मादा भी पकड़ी है, देखे मादी खोरा अपने बच्चे को चोग दे रहा है, ठीक है, इसका नाम मादी खोरा है, इसका नाम मैंने रखा है, ठीक है, तो ये अपने ही बच्चे को चोग दे रहा है, इसके साथ एक और बच्चा बैठा हुआ है वो कोने में, ये पूरा जोड़ा है, ये मादी है, पीछे इसके साथ नर है, ये बच्चा भी इनका नर है मेरे ख्याल में, और ये वो कबूतर है जो कल मैंने पकड़ा था, ठीक है, ये भी मैंने इसको उड़ाया था, ये कहीं चला गया था, ये अब वापस आया हुआ है, देख रहे हैं फुल मस्ती में, और इंशाल्लाह ये उतर आएगा। व्यूअर्स ये कबूतरी थी, ये कल मैंने पकड़ी थी और अभी कहीं उड़ गई थी, ठीक है, अभी अभी वापस आई है, कबूतर ऊपर रह गए थे जिसमें ये ब्लैक और ये मादा कबूतर है, ये नीचे उतरने वाले हैं, ये देखें कि ये उतरा है, ये उड़ रहा था नर है, ये भी मैंने पकड़ा था, ये कबूतरी, बाकी ये बच्चे, एक ये नर आया, ठीक है, ये नर था उस बच्चे का बाप, ये नर था, वो मादी बैठी हुई है परली तरफ, ये बच्चा भी इसी नर का उड़ रहा है जो अभी उतरा है, ठीक है, इसका भाई वो बैठा हुआ है,
लेकिन ये दूसरा पूर है, वो दूसरा पूर था। ये एक बच्चा उतरा है, एक नर अभी उड़ रहा है। ये आखिरी कबूतर भी उतर गया है, ठीक है, बहुत ही प्यारा नर है। ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो, कबूतर कुछ उड़ाए हुए थे और बाकी इज्तमा भी था, सोचा ठीक है वहाँ से काफ़ी दोस्त आ रहे हैं उनको भी शाम में मिलना है, तो ठीक है मुख्तसर सी आपके लिए एक वीडियो बनाई है। कबूतर भी उड़ रहे थे, कुछ छत पर भी आया हुआ था, तो काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, सोचा व्यूअर के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँ। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।